इसको कोई भी ड्राइव चालू नहीं, जिस पे हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं 94 जगहों पर पूरे जिले गांधरबल में। मैं आपसे यही इल्तिपास करता हूं कि वहां आए और अपने आप को वैक्सीन करवाए और दूसरों को भी तरगीब दें ताकि वो भी इस मोहलिक बीमारी से बचे। अगर हम ऐसे ही रहेंगे जैसे कि पिछले साल हुआ, फिर लोग भी मांगते थे कि हमें वैक्सीन करो, मगर उस वक्त वो वैक्सीन ही नहीं थी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि वैक्सीन करो। इस वक्त थर्ड वेव आ रही है, अगर हम ऐसे ही रहे तो इसके नतीजे ज़बरदस्त खराब होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आइए, हमें ताउन दे, अपने आप को बचाए और हमारी पूरी सोसाइटी को बचाए। देखिए, यकीन मानो मैंने अपने बच्चों को करवाया, जब ये खुल गया था 1844 की, तो मेरे बच्चे भी 18 साल से ऊपर है, तो मैंने उनका करवाया। अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई खराबी होती, मैं अपने बच्चों को थोड़ी करवाती। आपको लगता है कोई माँ अपने बच्चे को फिर जानबूझ के कराए? माँ ही एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सब नहीं सोचेगी। जब मैंने अपने बच्चों को कराया, वैसे ही आप मेरे बच्चे हो, छोटे छोटे हो, आप क्यों नहीं कराओगे? इसमें दूर रहने से क्या होगा? इन्फेक्शन फिर भी होगा, मगर वो इतना खतरनाक नहीं। आराम से आप घर में बैठ के उस इन्फेक्शन को दवाई खाओगे, ख़त्म हो जाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। कितने सारे मौतें होगी आपने देखा, अगर आपने देखा होगा, कभी कभी एक ही घर में से दो दो तीन तीन गुजर गए। जिसको ये पूरी तरह पकड़ता है ना, वहाँ से मारे बगैर नहीं छोड़ता। मैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर गांधरबल अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि वो वैक्सीन करें। जैसे कि एज ग्रुप वाइज शुरू किया, 16 जनवरी से ये कोविड वैक्सीन शुरू हुआ, पहले हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, उसके बाद 45 साल से ऊपर, फिर 60 साल से ऊपर, पहले इसी तरह प्रायोरिटी ग्रुप्स को। तो इस वक्त तक सो फार हमारे 1,17,000 डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में वैक्सीनेशन हो चुकी है और माशाल्लाह सब लोग ठीक हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी सीएमओ साहब ने और डिप्टी सीएमओ साहब ने बिल्कुल बड़ी तफसील से बता दिया कि अब जो एज ग्रुप है वो 18 साल से 44 साल तक है। इन नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि ये भी वैक्सीन करें। हमारी डिप्टी सीएमओ साहब है, इन्होंने भी अपने बच्चों को कराया है। ये जो र्यूमर्स हैं, इनफर्टिलिटी वगैरह जो भी है, ये गलत है। लिहाजा मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वैक्सीन करें ताकि हम इस वबा से बच सकें। रहमतुल्लाह, मैं साईं मुस्तफ़ा, प्रेसिडेंट क्रिकेट एसोसिएशन गांधरबल। जैसा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पे हमने इस टाइम पे वैक्सीनेशन अवेयरनेस ड्राइव जो यहाँ पे की, आज कमरिया ग्राउंड में हमने बहुत सारे जो हमारे स्पोर्ट्समैन थे यहाँ पे, जितना भी सारा यूथ था, उनको यहाँ बुलाया था, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो, फुटबॉल के हवाले से हो, वॉलीबॉल, जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन थे उनको हमने यहाँ बुलाया था रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑफ दिस वैक्सीन। क्योंकि बहुत सारी जो रूमर्स थे रिगार्डिंग द वैक्सीन जो कि यहाँ पे फैली हुई थी, जिसके रिगार्डिंग एक ये चीज़ थी कि इनफर्टिलिटी का जो मसला था, स्टरिलिटी का जो मसला था, वो था। तो उसमें हमारे साथ जो थे सीएमओ साहब गांधरबल जो है और डिप्टी सीएमओ साहब गांधरबल, ये भी इनने शिरकत यहाँ पे की और यहाँ पे जितना भी हमारा यूथ था जो आज असेंबल यहाँ पे हुए थे, तो उनके रिगार्डिंग उन्होंने अवेयरनेस यहाँ पे की कि क्यों हमें ये वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत है। तो इनके जो कि हमें है यहाँ पे डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे ये ड्राइव। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा जितना सारा यूथ है आने वाले टाइम में, जो कि कल भी एक ड्राइव यहाँ पे होगी, तो कल से ये चीज़ यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो सारा यूथ इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इस वैक्सीनेशन ड्राइव में इन्वॉल्व हो जाएगा और सारे अल्लाह के फजल से यहाँ पे मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के लिए